कामयाबी नाकामयाबी आपकी मुट्ठी में है, ये है लाइफ को बेहतर बनाने का आज का हमारा रूल जी। घर से बाहर निकल चुकी हूँ, बैग ले लिया, रेडी हो गए, आज जा रहे हैं निशु को हेडसेट ले लिया निशु की आई का चेकअप कराने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद बुलाया था तो 2 महीने हो चुके हैं, तो देखते हैं रिव्यू क्या देता है डॉक्टर, कैसा क्या इफेक्ट हुआ, अच्छा रिजल्ट मिला नहीं मिला, तो चलते रियोसी चले गए स्कूल जी। हम तीनों जा रहे हैं, उसका आज कंपटीशन है तो उसकी छुट्टी नहीं करा सकते थे, अगर वैसे नॉर्मल डे होता तो करा लेते, तो अभी चलते हैं। आज उधर का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर होगा और क्या रिजल्ट आया वो भी शेयर होगा। ये बच्चा जी पूरा 10 महीने हो चुका है, टाइम हो गया है जी 8:19, गणपति बप्पा मोरिया चल चुके हैं घर से भगवान का नाम लेके जी, चले हुए हो गया है 1 घंटा, अभी मैं लेट गई पहले बैठी थी जी, अजीब सा और उल्टी जैसा, और निशु आगे सो चुकी है, ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं, 40 मिनट और बची है, 25 किलोमीटर बाकी है, तो मैं तो अभी सो रही हूँ थोड़ी सी 11 बजे बैठ के, वैसे हो रहा है बैठ बैठे क्या इधर उधर, कम से कम नींद आ रही है, वैसे बहुत कम्फर्टेबल हो गया है तो सोती हूँ थोड़ी सी देर। ये बस आती है जी सीधी, जाम रहते हैं वहाँ से, हम बस किस पीछे पीछे आ गए, पहुँच गए जी, जाना पहचाना रास्ता आ गया। पता यहाँ तक तो जी हम टहल के जाते थे, शाम को घूम के जाते थे, इस एरिया में आ गए अभी, बिल्कुल पास में पहुँच गए बस, उसके रबड़ के पेड़, ये तो बिल्कुल जाना पहचाना है। ये सब तो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बहुत दिखाया है 15 दिन तक, अब आएगा जी वो अपार्टमेंट जहाँ पर हम रहते थे 15 दिन हम लोग रहे थे, ये वाला जी के गोविंद इसमें रहते थे, मतलब तो पहुँच रहे हैं यही बिकस जी, यहाँ से तोड़ के ले जाऊँ मैं, यहाँ से तोड़ के याद आ गया निशु, निशु याद है, ये रहा जी हमारी मंजिल हॉस्पिटल, ये पहुंच गए जी सामने मंदिर, हल्की हल्की बारिश आई थी पहले, अभी तो नहीं आ रही, जय हो जय हो, 15 दिन बाद पर लग नहीं रहा ना, 15 सॉरी आए तो 2 महीने बाद है, सब जाना पहचाना सही। 10 बज गए हैं जी, चले थे 8:19 पे और 10 बजे पहुंचे हैं, बारिश आ रही थी रास्ते में कई जगह, तो अभी उतरते हैं और नंबर लगाते हैं, वैसे तो अपॉइंटमेंट ले रखी है और ये नंबर ही दे रखा है उन्होंने, तो देखेंगे कितना टाइम लगेगा। कई दिन बाद देखने को मिला जी हॉस्पिटल, वैसे हॉस्पिटल से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। ले लीजिए एंट्री, इधर हॉस्पिटलों में भीड़ तो रहनी ही है, वेट करना जी, अब बैठ गए जी डॉक्टर का वेट करना है, टोकन नंबर अभी 31 है, वो तो हमने पहले भाई अपॉइंटमेंट ली थी तभी दे दिया था नंबर, अभी देखते कब नंबर आता है। इधर डॉक्टर शनिवार को और मंगलवार को देखते हैं, तो आज काफ़ी भीड़ है। टाइम हो गया जी 10:55, अभी आई चेकअप कराना है, इसका नंबर चल रहा है 30 और हमारा है 47, बड़ा टाइम लगेगा, 11:30 तो आराम से हो जाना है, पहले आई चेकअप करा के फिर डॉक्टर को दिखाना है रिपोर्ट, नहीं तो डॉक्टर भी क्या देखेगा 31 आ तो नंबर का वेट करेंगे। टाइम हो गया जी 1:40, डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर ने बोला है इम्प्रूवमेंट है, वह मतलब आई एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू रखनी है और एक नई मेडिसिन चालू की है ड्रॉप्स वाली और लेने वाली, देखते हैं अभी लेंगे, दवाई नहीं ली अभी, पहले जा रहे हैं अभी डॉक्टर के से उधर से आए हैं, बहुत टाइम लग गया, अभी पहले दवाई लेते हैं, तो अभी लेनी है जी मेडिसिन, टाइम लगेगा इधर भी। टाइम हो गया जी 2:50, और दवाई नहीं ली गई अभी तक, दवाई लेने के लिए अलग से टोकन लेना पड़ता है, पहले पेमेंट करो फिर दवाई वाली लाइन में लगो, तो बहुत प्रोसीजर लंबा है, तो अभी देखो कितने बजे कितना हम वहाँ से डॉक्टर से दिखा सके आए थे, तब से टोकन लेके बैठे हैं दवाई के लिए, अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, अभी तक हस्बैंड नहीं सो अंदर ही है, वो पापा बेटी, तो मैं तो बैठे बैठे ज़्यादा वो हो गई थी बोर सिर, मुझे थोड़ा फ़ोन का काम कर, इसलिए मैं आ गई पार्क में, इधर जाना पहचाना तो सब है, इधर पार्क में बैठ के थोड़ा सा फ़ोन का काम किया, वो लोग अभी तक नहीं आए यार, हमारा लंच भी नहीं हुआ, थोड़ा तो घर से लेके आए थे लेकिन सोच रहे थे इधर कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि भाई देखो 3 बजे नहीं पा गए, भूख भी लग रही है, पानी भी ज़्यादा नहीं पिया, बाहर घर से बाहर निकलो तो वही सोचे कि बार बार वॉशरूम जाना पड़े, तो पानी कम पिया है, देखते हैं कितनी देर और लगती, इतना लेट तो हो गया, घर भी जाना है, घर कब पहुँचेंगे, 2 घंटे लगभग रास्ते लग जाएंगे, 1.5-2 घंटे शायद, अभी तो आने वाला होगा, कई देर हो गए मेरे को भी इधर बैठे हुए, तो देखती हूँ
आया कि नहीं आया। ये हरियाली फिर से देख लो कितनी हरियाली है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अभी पार्क में आके मस्त लग रहा है एकदम, पार्क में बैठ के। उधर अंदर बैठे बैठे थोड़ा वो हो रहा था, कितना अच्छा लग रहा है। रही मैं और बाहर कितना अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ऊपर से बारिश भी आ रही आई थी थोड़ी देर पहले, अभी तो नहीं है, थोड़ी देर पहले आई थी, अभी सही है। तो देखती हूँ जी अभी हो गया क्या उनका। 3:05 हो गए हैं, अभी दवाइयों से निमट के आए हैं, अभी जाते हैं कुछ खाते हैं। खाली पड़ा है ये तो, कुछ है भी खत्म हो गया खाना पीना भी कुछ थे। 3 जी खाली हो गया, लंच का टाइम तो खत्म हो गया। पूछते हैं अभी मिलेगा अभी कि नहीं। निशु को इधर दिख गई टॉफी वगैरह सब, ये अड़ंग बड़ंग तो इसकी डिमांड चालू हो गई है। अब इसको इनमें से चाहिए कुछ, एक कैसे देख रही है देखो। ये जी मिल तो गया डोसा, लेकिन ना प्लेन है, मसाले वाला नहीं है, बस इसके साथ में खाली चटनी है। चाय लिए, चाय बाद में लेंगे, चाय पी लेते हैं। चाय चाय का टाइम हो रहा है, अभी तक तो 3:25 हो गया, नहीं हुआ टाइम हो गया जी शाम के 3:40। चाय पी ली और खाना खा लिया, अभी चलते हैं। अभी कम से कम 3:40 हो गए ना, तो यूँ लगा लो 6:30 के आसपास पहुँचेंगे, क्योंकि एक तो सैटरडे है, शाम को अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बैठो तो चलते हैं। अभी डॉक्टर ने दी है अभी 3 महीने की दवाई दे दी है, और वही बोला कि इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो अच्छा है, चलो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। चलते हैं अभी। ये जी जय हो माता की, काली मैया का मंदिर है जी, जय हो मैया की जी। पाइनएप्पल देखना जी, मन लग गया कि ना पिछले जब था जब छोटा छोटा, ये तो काफी बड़े आए, ये तो इतना आई सी जी पहले, जब भी इतना आया था 2 महीना पहले भी इतना, मैं सोची इन पे पाइनएप्पल लग गया हूँ, इन पतना लग गया सी। मौसम बहुत बढ़िया इधर का, इलाका ना इलाका बहुत अच्छा, बहुत कितनी मस्त हवा आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी गजब की ठंडी हवा आ रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहुंचते हैं घर पे, सही बात। ये जी देखो इतने सारे वो लेके आई है, ये टॉफी में कह रही थी ना, इसको तो दिख गई, तो इसको तो जो जो पसंद आई अलग अलग शेप की वो सारी ले ले। लुढ़क गया कहाँ फंस रहा है, मेरी कितनी है इसमें से। ये जी दोनों अपनी और अपनी बहन की लेके आई है, एक दो पोला नहीं मिले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी टाइम हो गया 4:20 और पर हालत खराब से हो रही है आज, अच्छा लग रहा है बहुत। रास्ते में रुके अभी थोड़ा सा ना, पीछे ऐसे थोड़ा सा घाटी टाइप में है थोड़ा सा, मैं सोचे थोड़े रुकी तो इसीलिए थी कि थोड़ा मन भी अच्छा हो जाएगा, भाई पहले ना कभी नहीं होता था मेरे को, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना ऐसे उल्टी जैसा सोने लग गया, ऐसे ही घर से चली थी तब भी हो गया था, और अब इधर से खा के चले, एक तो चाय पी के चले, अब भी हो गया, अजीब सा हो रहा है बहुत। ना तो वीडियो बनाने का मन है, ना फोटो का मन है, मैं उतरी तो मैं चलो फोटो ले लूंगा, शायद उतरने से थोड़ा अच्छा मन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा, जो बहुत अच्छा है। बस पढ़ते हैं गाड़ी में ही अपने घर पहुँचते हैं। ये देखो कितना मस्त है, कितनी हरियाली हरियाली है जी, जगह तो अच्छी है, पर बस जब मन खुश नहीं है तो सब चीजें वैसी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। चलते हैं तो अभी, चले निशु, मेरा तो जी पता नहीं कैसा हो गया। टाइम हो गया जी 4:45, थोड़ी देर बाहर रही, थोड़ा घूमी फिरी, एक दो रील बनाई, ज्यादा नहीं बनाई, एक दो ही बनाई क्योंकि लेट हो जाएगा, अब वापिस चल दिया तो थोड़ा सा मन शांत हुआ है, बिल्कुल ऐसा हो रहा था ना बेकार सा, बिल्कुल घबराहट भी नहीं, अजीब सा हो रहा था, मतलब पहले नहीं होता ना, चलो जिनके साथ ऐसा होता होगा ना कि गाड़ी में जाते होता है लड़क होता है, मैं उसका सोच के परेशान हो रही हूँ कि वो तो बैठ ही नहीं सकती गाड़ी में, बैठते ही वोमिटिंग लग जाती है उसको, तो उसकी क्या हालत होती, मेरे को तो फील ही हो रहा है, वोमिटिंग वगैरह नहीं आई लेकिन मन हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या कंडीशन हो जाए लोगों की। पहुँचते हैं घर, पहुँचते हैं जी। टाइम हो गया है 5:50, अभी घर पहुँचे हैं, और पहुँचते ही मैं तो देखो बेड पे लेट गई, क्योंकि ना फिर से चले ना तो फिर से जी ऐसे अजीब सा हो गया, वो मीटिंग तो वही है कि नहीं आई, लेकिन जी अजीब सा हो रहा था, थोड़ी सी देर में को आराम करती हूँ, फिर बाद में उठ के कुछ देखूंगी जब जी शांति में हो जाएगा। योशी अभी तक नहीं आई है, और देखो सुबह निकल गए थे 8 के थोड़ा सा बाद में, रवि इतने बजे 6 बजने वाली हूँ लगा लो, अब घर पहुँचे हैं, रात के बज गए हैं जी 9, और खाना पीना हो गया है, और ये देखो निशु ने लगा दी है लाइन अपनी दवाई की, ये दवाइयों का ढोले के आइए जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तीन महीने की दवाई दी है जी, तीन महीने की दवाई दी है ये, तो चल ही रही थी, अभी ये तीन महीने की और दे दी है, इम्प्रूवमेंट है ये, ठीक बात है। एक नई दवाई है, और ध्यान रखना है वही की टीवी वगैरह ना देखे, और बस दूध दूध लेना है, ब्रश करनी, मुंह धोना, योशी भी काफी लेट आई है, 8 बजे लगभग आई है, तो बस सोने का करते हैं और टाइम से सोते हैं, तो पूरा दिन बस घूमते फिरते रहना, उसमें ऐसे ही होगी तबीयत। आज के लोगों को यहीं पर खत्म करती हूँ, आई होप आज के लोग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, कल फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, आप सभी को शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।